हेलो गाइज, हम आ गए हैं आज। अरे आ गए बनी नवंबर के समसमाई की केकरा ला बिहार पीसीएस ला 12 फरवरी। आज तारीख 4 तारीख, टाइम बहुत कम बा, इसला क्विक रिवीजन चलता करेंट के, क्योंकि करेंट से बिहार के करेंट से खासकर 4 से 5 प्रश्न आते ही आते हैं। इसीलिए कल हमने पढ़ाया था दिसंबर, आज चल रहा है नवंबर, और साथ में महत्वपूर्ण संगठन है उसके जो हेड होते हैं, माने के वो क्यों नहीं बन जाए डायरेक्टर बन जाला, बजा लू के वो क्यों निदेशक बन जाला, तो उससे भी एक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए उसको भी लास्ट में हम इंक्लूड करा दिए हैं। उससे प्रश्न हर साल आते हैं और इस साल तो चेंज ही चेंज हुआ है, इसलिए एक एक चीज पे हम लोग गौर करेंगे। चलिए बातें तो होती रहेंगी। मैं नाम प्रभात रंजन और यूनियन एग्जाम्स के पीसीएस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए क्लास नवंबर समझूंग, बिहार नवंबर, बिहार की मैं बात करूंगा अभी। बिहार आइए, देखिए डेट भी लिख दिया बचवा, बहुत बड़ा तो बहुत होशियार है वो, उसको भेजे थे हम डेट सही, तो डेटवो लिख दिया। हमको डेटवा नहीं लिखना है, मगर है बेचारा बहुत बहुत पढ़ने में तेज लिखा है, मजबूरी है, क्या करेगा बेचारा, मगर है तेज। देखिए लिख दिया, कोई अच्छा बात काम किया है, डेट याद नहीं रखना आप लोग को, यदि पूछ दे ऐसे, डेट नहीं पूछता है बिहार में, खासियत है करंट के मुद्दे पे, मगर डेट लिख दिया तो आप लोग को लगेगा कि ना सब जो करंट पढ़ा रहे हैं नवंबर का ही पढ़ा रहे हैं। देखिए 19 नवंबर 2022 को आयोजित रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में चयन किया गया है एक रग्बी कोच के लिए, वो बिहार का व्यक्ति है। रग्बी कोच के लिए चयन किया गया है, वो बिहार का व्यक्ति है। वो कौन व्यक्ति है, तो उसका नाम है गौरव चौहान। जो एशियन रग्बी चैंपियनशिप हुआ है और भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम गई है, उसमें कोच के रूप में बिहार का जो कोच गया है उसका नाम है गौरव चौहान। और खेल से एक प्रश्न आते ही आते हैं। फिर उसी तरह 14 से 17 नवंबर तक चलने वाले 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, अरे व्यापार मेला लगता है दिल्ली में, अरे कौन मेट्रो स्टेशन है, हम गए भी थे एक बार घूमने, कोर्ट के बगल, सुप्रीम कोर्ट के बगलवा में है वो, उसी बगल में है प्रगति मैदान लगता है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसमें भागीदार राज्य के रूप में बिहार को किस राज्य में शामिल किया गया है, तो भागीदार राज्य के रूप में शामिल किया गया है। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को किस राज्य में शामिल किया गया है, तो भागीदार राज्य के रूप में। उसी तरह देखिए 11 से 15 नवंबर 2022 को आयोजित 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। देखिए बिहार के बच्चे बच्चियां कितना तेज हैं, कितना आगे चले गए हैं, जूनियर हो सीनियर हो, कर पाया ना कि पावर लिफ्टिंग में जूनियर कृति राज सिंह गई, वहां 6 पदक लेके आई, सीनियर में सुधा कुमारी लेके आई, उसी तरह रश्मि कुमारी है, कल निशा कुमारी बना पढ़ाए थे, सनी चौहान के बना पढ़ाए थे। देखिए ये बच्चिया, देखिए कि बिहार के बच्चे कमजोर मत समझिएगा, पढ़ने लिखने में तो तेज होते ही होते हैं, अब खेल कूद में भी आगे हो गए हैं। अब तो 11 से 15 या 22 तक आयोजित 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के जसवंत सरोज नाम इनका, जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक, रजत पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो मिलता है वो नर्सों को दिया जाता है, मिडवाइफ नर्स, तो जो नर्स को दिया जाता है, तो 7 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू कौन है भाई, देश की राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, महिला आदिवासी राष्ट्रपति पहली, ये इनके द्वारा 7 नवंबर को नर्सों को एक अवार्ड दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड।
एक लोग को नहीं मिलता है, बहुत लोग मिलता है, उसमें से बिहार की नजिया परवीन को, बिहार की नाजिया परवीन को जो है उनको भी अवार्ड मिला है, नाजिया परवीन को। देखिए महिलाएं कमजोर मत आकी है महिलाओं को, बिहार सरकार आरक्षण तो दिया ही, प्लस मैथिली ठाकुर, रूबी खातून, रंजना झा, नाजिया परवीन, देखिए कहां है लोग आगे। तो नाजिया परवीन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है। बिहार में एकमात्र टाइगर सफारी बनाया गया है, एकमात्र टाइगर सफारी अभी उद्घाटन हुआ है फिलहाल, फिलहाल ही कुछ नवंबर में, हाल फिलहाल नवंबर में घटना है। तो कहा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है उसी में टाइगर सफारी क्या उद्घाटन हुआ है, बनाया गया है। तो जू सफारी कहां है, तो जू सफारी जो है वो कहां पे है, तो जू सफारी कहां, राजगीर में है, राजगीर में है, कल बताए थे जू सफारी के बारे में हम। उसके बाद क्या है कि बिहार सरकार एक ऐसा राज्य बना है कि हर जिले में, हर जिले में, हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलेगा। हर जिले में बिहार सरकार एक राज्य बना है कि हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का प्रावधान बनाया है, भूकंप क्लिनिक खोलने का। और उसके अलावा बिहार सरकार फिल्म जो निर्माण जो होता है उसको दे दिया है उद्योग का दर्जा, क्या उद्योग का दर्जा दे दिया है। उसके अलावा बिहार में एक और जो भी इन्वेस्टन काम होता है, इन्वेस्टन का काम वो बिहार सरकार करता है। देखिए कैसे, हर घर नल योजना सत निश्चय केंद्र अपनाया। उसके बाद भिखारियों के लिए स्कीम चला था उसको भी केंद्र अपनाया। उसी तरह इसने स्कूल डे और नो बैग डे, एक दिन शनिवार को बैग लेके नहीं जाना है, ये बिहार सरकार स्कीम चला रही है, ये नो बैग डे, ठीक है। और स्कूल डे, अब एक और पहल किया है कि पेरेंट्स मीटिंग जो होता है, पेरेंट्स मीटिंग जो प्राइवेट स्कूल में होता है कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग क्या टीचर इंटरेक्ट करेगा शिक्षक से, वो भी चालू किया बिहार सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में। उसके अलावा देखिए बिहार में और क्या है, एक बार सवाल पूछा बिहार में करंट से कि सबसे अधिक कामगार कहां काम करते हैं, बिहारी कहने, बिहारी कहना तमाचा है, नहीं बिहारी मत कही भाई, कमजोर मत आकिए, वो मजदूर क्लास से लेके और अपर क्लास तक मिलते हैं बिहार के लोग। तो वह ईसीआर एक रिपोर्ट जारी किया ईसीआर और बताया कि सबसे अधिक कामगार जो काम करते हैं कहां, विदेशों में, खासकर विदेश में, सऊदी अरब में काम करते हैं, कहां, सऊदी अरब में, यानी विदेशी रुपया भी हमारे यहां कहां आता है, बिहार में आता है, विदेशी रुपया भी आता है सऊदी अरब, देख लीजिए कहां कहां के लोग हैं भाई। तो ईसीआर रिपोर्ट के हिसाब से सबसे अधिक कामगार सऊदी अरब में है। उसके बाद देखिए एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया बिहार सरकार द्वारा, विश्व रिकॉर्ड, क्या विश्व रिकॉर्ड, बक्सर में 11 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए थे, 11 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए थे। क्यों भाई ऐसा क्यों किया गया बक्सर में ही, क्योंकि श्री राम द्वारा तरका का वध जो है पेंटिंग बनाया गया और उसी पेंटिंग पे 11 लाख दिए जलाए गए और जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया है वो बक्सर में है, ठीक है। और बक्सर में क्यों है, तो नील गाय के लिए शोध केंद्र स्थापित किया गया है बक्सर में, शोध केंद्र पता है ना बक्सर बारे में। उसके अलावा देखिए तैतीसवा ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निशा कुमारी जीत गई है, क्या स्वर्ण पदक। देखिए जूनियर में लड़कियां सब, छोटी छोटी बच्चियां सब की बात कर रहे हैं हम, उसमें निशा, छोटी बच्चियां ही निशा थी, वो जीत गई स्वर्ण पदक, कहां, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। भाई देख लीजिए बच्चा सब जीत के स्वर्ण पदक जीत जा रहा है, नाम कर जा रहा है, आप लोगों को बात बचा है 8 दिन, वो 8 दिन में ऐसा पढ़ना है कि एकदम नाम कर जाना है, बीपीएससी पार, 100 पार तो टारगेट है ही, पर बीपीएससी पार। इसलिए क्विक रिवीजन जो क्लास चल रहा है किसका,
करेंट का क्लास चल रहा है और हम पढ़ा रहे हैं नवंबर सब समय की, इसलिए निशक वाले को रट लीजिए, पूछ देगा कहीं तो क्या कीजिएगा। डेल्टा रैंकिंग, डेल्टा रैंकिंग जारी कौन करता है? नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। और उस मामले में स्वास्थ्य क्षेत्र में, कहां स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला टॉप कर गया है? बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान आया था? तो बेगूसराय का डिस्ट्रिक्ट। बिहार का कौन सा जिला? तो बेगूसराय जिला जो है टॉप कर गया भाई। अब आइए, पटना में हुआ हाफ मैराथन। हाफ मैराथन होता है तो पटना में हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। ये डेट था, हमको लगता है 27 या 28 नवंबर था, ये भी कंफर्म नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा इसको। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? तो हीमा दास को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये भी एथलीट है भारतीय जो बहुत अच्छा योगदान करती हैं, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। इसी हाफ मैराथन ब्रांड को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था हीमा दास को। एक पांडुका पुल बना है, पांडुका पुल जो नितिन गडकरी जो गए थे नवंबर में, नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री, परिवहन क्या बोलते हैं, परिवहन राजमार्ग जो मंत्रालय है ना, उसी मंत्री के केंद्रीय मंत्री हैं और गए पांडुका पुल का उद्घाटन किए थे जो बना है सोन नदी पे। और ये है कहां? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। कहां? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और रोहतास जो है चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में आगे है, चावल गेहूं दोनों उत्पादन में आगे है ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट। एक फैक्ट और देख लीजिए यहीं पे, बिहार सरकार हर समय एक नया यूनिक काम करता है। तो ब्रजपात बहुत आता है बरसात के दिन में, याद होगा ठनका जो है ना, ठनका टन टन बजता है ठनका, तो ठनका गिरता भी है करंट के भांति गिरता है। तो उस ब्रजपात से बचने के लिए उसने हूटर लगाया, हूटर जैसे ही ठनका का आवाज होगा हूटर बजना शुरू हो जाएगा। तो हूटर एक लगाया है हूटर, और इस हूटर अभी तो चल रहा है ट्रायल बेस। यही पटना में कहां चल रहा है? पटना, औरंगाबाद और गया, ये तीन डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल बेस चल रहा है, हूटर लगाया गया है। उसके आने से पहले आवाज आने लगेगा कि आने की संभावना है। और देखिएगा इसे माल जाल की बहुत क्षति होती है, इसी के पहले सॉरी इस हूटर से पहले उसने ऐप लॉन्च किया था बिहार सरकार द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, वो इंद्रब्रज ऐप नाम था। क्या नाम था? इंद्रब्रज ऐप। ठनका गिरने से आधे घंटे पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा, वो आधे घंटे पहले इन्फॉर्म कर देगा कि ठनका गिरने वाला है। तो इंद्रब्रज ऐप ठनका गिरने से है। उसके बाद रिसर्च में और शोध किया तो कहा हूटर लगाएंगे अब हम, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कि अब यह ठनका गिरने वाला है। देखिए बिहार सरकार कितना आगे काम कर रहा है, शोध काम। अब बिहार में स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार जो है यह मिला है बिहार, एक्चुअली मिलता है उन लोगों को जहां एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र होते हैं और उसके कर्मचारियों को अच्छे से रख रखाव और प्लस उसके रख रखाव की बात की जाती है, उसमें मिला है स्वर्ण शक्ति पुरस्कार। इसमें स्वर्ण रजत सब मिलता है, तो स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार मिला है कहलगांव को, और कहलगांव पड़ता है भागलपुर में, और यहां पे एनटीपीसी का ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, भागलपुर। और भागलपुर फेमस क्यों है? भागलपुर में द्वितीय पक्षी महोत्सव मनाया गया था, द्वितीय पक्षी महोत्सव मनाया गया था, जो पहला महोत्सव कलवर मनाया गया था, द्वितीय पक्षी महोत्सव भागलपुर मनाया गया था। उसी तरह पटना में गंगा नदी बहती है, तो पटना की गंगा नदी किनारे किनारे गंगा पथ बना था, गंगा पथ बना है, हो गया उद्घाटन। और एक तारीख को तो भाई जो लवंडे थे बाइकर्स ग्रुप पूरा उधम मचाए थे, तो वहां थाना भी बना दिया गया है और सुरक्षा की बात भी की जा रही है। तो गंगा पथ कहां बना है? पटना बना है। उसके बाद है एक हायरिंग मोबाइल ऐप। अब देखिए हायरिंग मोबाइल ऐप भाई क्या, भाई ऐप का नाम है हायरिंग, हायर करना, किसको हायर करना भाई? हायरिंग मोबाइल ऐप है
जो चल रहा है मुख्यमंत्री हरित कृषि, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के लिए चल रहा है हायरिंग मोबाइल ऐप। किसको हायर करेगा? तो कृषि संयंत्र को हायर करेगा। कौन करेगा? तो लघु और मध्यम जो सीमांत किसान होते हैं वो हायर करेंगे भाड़े पे लेके आके और अपने कृषि कामों को यूज करेंगे कृषि कामों में। तो कौन करेगा? लघु मध्यम सीमांत किसान जो होते हैं वो। और मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के माध्यम से किया जा रहा है। उसके बाद है लक्ष्मी बाई योजना। हम बताया था कि 7 निश्चय पढ़ लीजिए, गंगा जल प्रतिवर्ष पढ़ लीजिए, उसी में एक आता है लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा योजना। लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा योजना ये योजना जो होती है विधवा पेंशन, विधवा जो होते हैं, विधवा जिनके पति मर जाते हैं उनको विधवा बोलते हैं, इनके लिए जो पेंशन स्कीम है। और इसमें 3600 रुपए सालाना, कितना? 3600 रुपए सालाना, यानी मंथली की बात करेंगे तो 300 रुपए मंथली मिलेगा इनको, 300 रुपए मंथली मिलेगा, मंथली 3600 सालाना। और ये संकट में भाई पति के मरने के बाद स्थिति ये होती है कि जो जिन विधवाओं के हस्बैंड जॉब में नहीं होते, मिलते भी उन्हीं को हैं, बीपीएल परिवार वाले को, जिनकी आय आय कम होती है, मैं बीपीएल रेखा में होते हैं, तो उन पति के मरने के बाद स्थिति खराब रहती है और कहीं रोजगार नहीं मिल पाते हैं, संभावनाएं कम होती हैं और लोग गलत दृष्टि से देखते भी हैं, तो संकट की स्थिति में आती है। इसलिए बिहार सरकार ने स्कीम लाया लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। और लक्ष्मीबाई के नाम तो जानते ही हैं आप लोग, संतावन की विधवा से जुड़ी हुई है। तो विधवा जो संकट में है उनके लिए स्कीम लाया गया है। 3600 रुपये सालाना दिया जाएगा, 300 रुपये पर मंथ दिया जाएगा इनको। उसके अलावा बाल जलवायु पुरस्कार, बाल जलवायु पुरस्कार जो है 22 का, बाल जलवायु पुरस्कार 22 का ये मिला है स्पर्श को। किसको? स्पर्श, ये नाम है भाई, ये स्पर्श, ये टचिंग वाला नहीं पॉइंट है, टच पॉइंट नहीं है। सरकार पढ़ा रहे हैं आपको रहे टचिंग पॉइंट, अरे वो टच ना रे छोड़ा, आजकल गाना चलता है भोजपुरिया में, टचिंग टचिंग ना करे बा, यहां स्पर्श नाम है, बच्चा का नाम है भाई स्पर्श, स्पर्श नाम है इसका। ये पटना का रहने वाला है और इसमें शोध केंद्र में एक कुछ बच्चों को चूज किया जाता है इसमें जलवायु में कि शोध कीजिए, देखिए क्या क्या कहानी है इसमें, तो उसी में शोध में चूज किया गया था और इसने बाल जलवायु पुरस्कार 22 का पटना की बच्चा स्पर्श को मिला है। ये सोचिए बिहार के बच्चा कहां, कितना टैलेंटेड है भाई, कमजोर मत है ये, हमको बच्चा मत समझना रे, कहना याद सुने ना दिन तना दिन 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 दिन, वही बच्चा को बच्चा मत समझिए बिहार के बच्चा को, ये तो गूगल बाबा को हाई कर लेता है सब, अब मैं को सबको हाई कर लिया सब। चलिए ये नवंबर का करंट हुआ। अब हम लोग करते हैं क्या है कि जो महत्वपूर्ण संगठन है और उस संस्थाओं के प्रमुख हैं जिसे एक प्रश्न पूछते हैं वो लाए हैं। नवंबर करंट में जो इंपॉर्टेंट है करंट वहीं पर आ रहे हैं। है तो बहुत कथा कहानी बहुत होता है, ये मर गए मैथिली साहित्यकार मर गए, ये नहीं जानना है। इनकी जयंती मनी, जैसे नवंबर में सत्यनंद सिन्हा की जयंती मनी, तो जाने की क्या करेंगे, मनी होगी। मगर कुछ जैसे जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा स्थापित की गई तो उसका मुख्यमंत्री अनावरण कर दिए, तो जाने क्या कीजिएगा। मगर ये इंपॉर्टेंट है, आने वाला है, वो पढ़िए ना, जाने पर क्या करेंगे हम। अब आइए बिहार के महत्वपूर्ण संगठनों संस्थाओं के प्रमुख, जिसे अब राज्यपाल का नाम तो आप जानते ही होंगे बिहार के फागू चौहान, और मुख्यमंत्री नाम मत पूछ लीजिएगा भाई आप लोग, तो श्रम से मैं डूब जाऊंगा मैं, नीतीश कुमार। और 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, 8वीं बार ये। मुख्य सचिव आमिर सुहानी, नहीं पूछता ये मुख्य सचिव आमिर सुहानी जी टॉपर रहे हैं अपने बैच के, आईएएस टॉपर हैं ये। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिसका पेपर देने जा रहे हैं बीपीएससी का, उसका अध्यक्ष अतुल प्रसाद लगातार ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट, ट्विटर हैंडल के एकदम फॉलोअर हो चुके हैं, डेली कर रहे हैं ये आएगा डेली प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न होगा। आज सुबह हम देखे हम तो उन्होंने कहा कि 2 बार संशोधित आंसर की जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी, सबसे भाई बिहार का सबसे सुस्त आयोग बीएसएससी, पेपर लिया बिहार से जीएल का, पेपर लीक हो गया फिर दोबारा ले रहा है, कह रहा है कि एक ही पेपर लीक हुआ है। रविंदर कुमार
बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष, डीजीपी जस्ट अभी बदले हैं, राजविंदर सिंह भट्टी बन गए हैं, महाधिवक्ता जस्ट बदले हैं अभी, पीके शाही जी आ गए हैं, ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, इसके पहले भी महाधिवक्ता थे ये, राजमुख निर्वाचन अधिकारी एमएस श्रीनिवासन, उसके साइड पे यही नाम है एमएस श्रीनिवासन, राजमुख निर्वाचन अधिकारी एमएस श्रीनिवासन, राज मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, भारत के नहीं राज्य के, बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वो विनोद कुमार सिन्हा, कौन है विनोद कुमार सिन्हा, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, भाई ओलंपिक जाए ना बिहार के बच्चों जाएंगे तो बिहार ओलंपिक संघ बनाया गया, उसके अध्यक्ष है अब्दुल बारी सिद्दीकी। विडंबना तो ये है कि खेलकूद के अध्यक्ष जो बनते हैं वो राजनेता बन जाते हैं, जिनको खेलकूद का नॉलेज नहीं होता, ये विडंबना है हमारे भारतवर्ष का। अभी वर्तमान में पता ही होगा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पे मोलेशन का केस भी लगा है, कोई बात नहीं। बिहार तकनीकी सेवा अध्यक्ष, अलग से तकनीकी सेवा बनाया गया है जिसके माध्यम से जूनियर इंजीनियर सेक्शन इंजीनियर सबका एक पेपर होता है, वह है बाला मुर्गंडी, बताइए साउथ इंडिया बुला दिया, तकनीकी है, कहा कि भाई बिहार के लोग आता नहीं तकनीकी, और जबकि नीतीश कुमार खुद इंजीनियर साहब हैं, तो बिहार तकनीक सेवा के अध्यक्ष मर क्या करें, उप मुख्यमंत्री तो बेचारा भाई नौवे पास है ना। बिहार तकनीकी सेवा के अध्यक्ष बाला मुर्गंडी, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष, बिहार विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो होते हैं, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा, ये बीपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीपीएससी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, भाई अभी अगस्त में सरकार चेंज हुआ है, पलटू राम पलट गए हैं, नीतीश कुमार बाबू चले गए हैं अब कहां पे, आर्य के साथ, तब अध्यक्ष भी चेंज होगा, तो विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी। तो उपाध्यक्ष कौन है विधानसभा के, महेश्वर हजारी, उपाध्यक्ष कौन हो गए महेश्वर हजारी, प्रतिपक्ष विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जो अध्यक्ष थे पहले विधानसभा के, वो प्रतिपक्ष के नेता बन गए हैं, अब बीजेपी से हैं। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद ठाकुर, और बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे। तो प्रतिपक्ष के नेता कौन, बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता कौन, सम्राट चौधरी, पहले मंत्री थे, इन्हीं से सवाल पूछ दिया, सीडीपीओ साहब सवाल पूछा था हम लगता है। बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता सम्राट चौधरी। बिहार पुलिस अलग से आयोग है, बीपी ट्रिपल एससी, इसमें सिपाही दरोगा सबका याम लेता है ये, तो बिहार पुलिस सिपाही का अलग से होता है, ये दरोगा का, एक्साइज इंस्पेक्टर का, सबका लेता है। बिहार पुलिस अवर सेवा के आयोग के अध्यक्ष सुनीत कुमार, और केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष सीएसबीसी के अध्यक्ष जो है, केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल, एसके सिंघल जो पहले डीजीपी थे, अब हो गए हैं केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंघल। बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार, बिहार राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार जी बन गए हैं, और बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, जब चुनाव हुआ शहरी निकाय का चुनाव हुआ और जब मामला फंसा पिछड़ा आयोग का, अति पिछड़ा आयोग का, और कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आयोग बनाइए और एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए, इसी दिसंबर में चुनाव हुआ है दिसंबर में, तो उसी समय अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर नवीन चंद्र आर्य, जदयू पार्टी से शायद है ये, और प्रोफेसर भी हैं। बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बने हैं नवीन चंद्र आर्य। बिहार विधान परिषद के सचिव विनोद कुमार सिंह, ये क्रवाहक हैं, अभी हैं, लग बहुत दिनों से हैं ये। विधानसभा के सचिव पवन कुमार पांडे जी प्रभारी हैं, ये भी हैं। एक अलग से आयोग बनाया गया है जो कॉलेज लेवल का होता है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग, इसके अध्यक्ष बने हैं राजवर्धन आजाद। इसी के माध्यम से प्रोफेसरों की बहाली होती है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष राजवेंद्र आजाद, और बिहार फुटबॉल
एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्नजीत मेहता और बिहार एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं सलीम परवीज। कौन? सलीम परवीज। इतने हुए संगठन के अध्यक्ष, संस्थाओं के अध्यक्ष पहुंच करके बार बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक सवाल फिक्स है इसे आना। इसलिए मैं बार बार जाता हूं कि आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, क्विक रिविजन चल रहा है। और इसी के साथ मैं एक बात और कहूंगा कि भाई आपसे मैं इतना पैसा ले नहीं रहा हूं, तो मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट कैसे कीजिएगा आप लोग? तो एक लाइक ठोक देना है, क्लास को शेयर कर दीजिए, जो बच्चे और भी बच्चे हैं आपके मित्र बंधु हैं, जो भी चिलाजी हैं उनके दोस्त होंगे, उस चिलाजी को कर दीजिए, ताकि प्रभा सर का वीडियो देख संतुष्टि हो जाए और 100 पार कर जाए बच्चा। प्लस जो नए बच्चे हों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही जाए टाइम ही लेंगे, क्योंकि टाइम कम है, पढ़िए मन लाए पढ़िए, सोना नहीं है, जागते रहना है सिपाही की भांति, और पेपर होने के बाद फिर जितना इच्छा हो मूवी फिल्म यूट्यूब पे कुछ एक सोचना है, यूट्यूब पे बाकी कुछ मत देखना है, वीडियो बस प्रभात रंजन का वीडियो सर्च करके देखना है कि प्रभात रंजन वीडियो कहाँ है जो बिहार के लिए पढ़ाए हैं, बाकी वो सब गनवा जो चल रहा है भोजपुरी का तेल लगौनी उन्हीं सब नहीं सुनना है, यमनी सिंह फेमनी सिंह का, अभी सिर्फ प्रभात रंजन बीपीएससी। इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत साथियों।